आ गए तुम? जी मैम सब। ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं? आज तक कोई ड्राइवर नहीं देखा क्या? ड्रेसिंग सेंस नहीं देखी उनकी? चप्पलों में आए हुए हो? मेरी ऑफिस में एक रेपुटेशन है, इतने लोग मेरे को देखेंगे। मिम साहब मैं कल से ना दूसरे कपड़े पहन के आ जाऊंगा। अच्छे से बन के आ नहीं जाऊंगा, कल से मुझे इन कपड़ों में दिख मत जाना और चप्पलों में तो बिल्कुल मत दिखना। ठीक है मिम साहब, आइए। चलो घर चलो। ठीक है मैम साहब। मैम साहब वो डीजल डलवाना था, पैसे दे देते। क्यों, कल ही तो मैंने डीजल डलवाया था। मैम साहब वो खत्म हो गया। ऐसा है, तुम जैसे ड्राइवर को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। पहले ड्राइवर नहीं लगे हो तुम मेरे यहाँ पे, समझ में आई? जरूर तो एसी चला के बैठा होगा। नहीं मैम साहब, मैं तो बाहर बैठा था ऑफिस के, मैं एसी चला के नहीं बैठा था। देखो आप झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। ये लो डलवा लेना। ठीक है मैम साहब। और आगे से ध्यान रखना इस चीज का। चलो मैम साहब, अब ठीक है ना कपड़े? देखो तुम जैसे हो ना वैसे ही लगोगे। और तुम्हारे पास क्या सारी ये 100-150 रुपए की शर्ट ही है क्या? कोई ढंग की शर्ट नहीं है? अब भी वैसे ही लग रहे हो तुम, फटीचर गवार। मेम साहब जब आप सैलरी दोगे ना तब मैं नए कपड़े ले लूंगा, अभी ना मेरे घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है मेम साहब। ठीक है मुझे मत बताओ, ले लेना, टाइम खराब मत करो मेरा। मेम साहब वो एक बात कहनी थी। बोलो। वो जब आपने सामान लेने भेजा था ना, कोई स्क्रैच मार के चला गया। मेरी गाड़ी पे स्क्रैच मरवा दिया तुमने, इसलिए गाड़ी दिया मैं तुम्हें? नहीं मैम साहब, मैं तो सामान लेने गया था, कोई पीछे से मार गया। अच्छा गाड़ी तुम चलाते हो, तो फिर गलती किसकी हुई, तुम्हारी हुई ना या मेरी गलती हुई? कुछ दिन ही हुआ अभी आए हुए तुम्हें, अभी से यही काम चालू हो गए, एक महीना भी नहीं हुआ पूरा। आगे से अगर मैंने ऐसा कुछ देखा ना तो वो तुम्हारी नौकरी का आखिरी दिन होगा, समझ गए? दिमाग खराब कर दिया ऑफिस जाने से पहले। यार इस ड्राइवर को ना मेरे यहाँ काम करते हुए एक महीना होने वाला है, इससे तो अच्छा है इसे नौकरी से ही निकाल दूँ, पैसे भी बच जाएंगे मेरे, और वैसे भी आज इसने स्क्रैच मार दिया यार मेरी गाड़ी पे। हाँ इधर आओ। हाँ मैम साहब। अब ना मेरे को ड्राइवर की जरूरत नहीं है, तो तुम कल से काम पे मत आना। क्यों मैम साहब, मुझसे कोई गलती हुई? गलती हुई या नहीं हुई मुझे नहीं पता, कल से तुम काम पे मत आना। मैम साहब मेरे घर में बहुत परेशानी है, आप मुझे नौकरी से मत निकालो, आप चाहे 1,000-2,000 रुपए मुझे तनख्वाह कम दे दो लेकिन मुझे नौकरी से मत निकालो, बहुत परेशानी है मेरे घर में। देखो तुम्हारे घर की परेशानी तुम अपने पास रखो, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। खड़े क्या हो, जाओ यहाँ से अब। मेम साहब वो मेरी 25 दिन की तनख्वाह। तनख्वाह ना महीने की होती है, 25 दिन की नहीं होती। और वैसे भी तुम क्यों मांग रहे हो पैसे मेरे से, तुमने मेरी गाड़ी का इतना बड़ा नुकसान कर दिया, इतना बड़ा स्क्रैच आया मेरी गाड़ी पे। मेम साहब वो मैंने नहीं मारा। तो उसका भुगतान करेगा कौन, चला तो तुम ही रहते ना गाड़ी। और हाँ जो तुम्हारे 25 दिन के पैसे थे ना कट गए हैं, वो भूल जाओ उन पैसों को। अब खड़े क्या हो यार मेरे सर पे, जाओ यहाँ से। बिल्कुल ही ढीठ ड्राइवर हो बाय गॉड तुम। ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। अबे यार इस टायर को भी अभी पंचर होना था, वो ड्राइवर होता तो सही रहता, मैं इसे कैसे चेंज करूंगी यार। क्या हुआ मैडम जी, टायर पंचर हो गया क्या? कौन हो तुम? हम जो भी हैं तुम्हारे तो आशिक हैं हम, तुम कहो तो मैं ठीक कर दूं और तुम जहां बोलोगे वहां छोड़ भी दूंगा। क्या बदतमीजी है, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? नहीं है, तभी तो तेरे को छेड़ रहे हैं। क्या बदतमीजी है, अबे जा अपना काम कर। हाथ कैसे लगा रहा है, अपनी भलाई चाहते हैं ना तो निकल ले यहाँ से, चल।
तुझे तो बाद में देखूंगा। अबे जा, बहुत देखे तेरे जैसे। आई एम सॉरी यार, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा करा और आज देखो तुमने ही मेरी जान बचाई उस लड़के से। तुमने आते तो पता नहीं क्या ही हो जाता। कोई बात नहीं मैडम। अच्छा तुम मेरे यहाँ पे दोबारा आओगे नौकरी पे? नहीं मैम साहब, अब मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। मैं सामान डिलीवरी का काम करता हूँ और वहाँ मैं बहुत खुश हूँ। और एक बात और मैम साहब, कभी कभी ना इंसान पैसों के गुरूर में अंधा हो जाता है, जैसे कि आप हो गई। और हाँ मैम साहब, पैसों से ज्यादा ना गरीबों को उनकी इज्जत प्यारी होती है। ध्यान रखना अपना।